नहीं सुनाऊंगी बल्कि मैं कुछ बेहतर करूंगी, उसे पेंट करूंगी। बहुत पहले की बात है, एक बंदा था जिसके हाथ और पैर थे और गोल शरीर था, कुछ अजीब नहीं था सिवाय दाढ़ी के। अजीब बात है कि मुझे नहीं पता मैंने मेरी दाढ़ी को ब्लू पेंट क्यों किया, मतलब मेरी दाढ़ी को नहीं, इस आदमी की दाढ़ी को। ब्लू बियर्ड। एक सुबह ब्लू बियर्ड नाम का एक आदमी जंगल में चले जा रहा था। वो एक गाना गा रहा था जो उसने कुछ ही मिनट पहले लिखा था। तरा तरा तरारा तरम तरम तम तम तहुं। ब्लू बियर्ड ने सोचा, सच में टाइम हो गया है, टाइम है मेरे कुछ खाने का। और फिर ब्लू बियर्ड आगे चलने लगा ये सोचते हुए कि उसने सुबह नाश्ता किया था और दोपहर के खाने को अभी वक्त था। अचानक ब्लू बियर जंगल में एक खुली जगह पर आ पहुंचा। उस खुली जगह पर था एक घर। मैं तुम्हें वो घर बनाकर दिखाती हूँ। घरों के चारों ओर सनफ्लावर्स उगे थे और खिड़कियों पर गाजर की ड्राइंग की गई थी। अगर मैं सही समझ रहा हूँ, ब्लू बियर ने सोचा, तो इन गाजर का मतलब है कि ये घर एक रैबिट का है और रैबिट एक बहुत ही अच्छा होस्ट होता है और एक अच्छे होस्ट को खाने पर मेहमान बुलाना अच्छा लगता है। ब्लू बियर्ड बिना वक्त गवाए दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खटखटाया। हे, नॉक नॉक, कोई घर पर है? नॉक नॉक, चलो दरवाजा खोलो। किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद वो सब सो रहे हो। ब्लू बियर्ड ने फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर से। ब्लू बियर्ड ने दरवाजे को अपनी मुट्ठी से खटखटाया। उसने अपने पैरों से लात मारी। आखिरकार किसी ने खिड़की खोल दी। खिड़की पर आई एक बड़ी प्यारी लड़की जिसकी आंखें आसमान जितनी नीली थी और किसी वजह से मैंने उसके बाल भी नीले रंग के ही बनाए, पता नहीं ऐसा क्यों किया। मेरे दरवाजे पर खटखटाना बंद करो, लड़की ने कहा। अंदर आ जाओ और थोड़ा कोको पी लो। ब्लू बियर्ड खाने को देखकर इतना खुश हुआ कि वो अंदर भागा और उसने खाना शुरू किया। नीले बालों वाली लड़की को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है, उसने सोचा, एक झटके में एक पूरा केक खा जाना और बिना चबाए ही उसे निकल जाना या अपनी उंगलियां जैम से भरे कटोरे में डालना और फिर जैसे कि इतना काफी नहीं था अपनी उंगलियों को एक एक करके चाटना। इव, तुम तो बहुत ही गंदे हो, लड़की ने कहा। ब्लू बियर्ड ने कहा और फिर केक का एक और टुकड़ा उठाने के चक्कर में उसने कोको से भरा कप उल्टा कर दिया और फिर सफेद टेबल क्लॉथ पर एक ब्राउन दाग पड़ने लगा जो एक घोड़े जैसा बन गया। फिर ब्लू बियर्ड ने अपनी उंगली से उस घोड़े की एक प्यारी सी पूंछ बना दी। नीले बालों वाली लड़की को उसका इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने उसे रोते हुए कहा, तुम एक बुरे बच्चे जैसा बर्ताव करते हो, अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब मुझे तुम्हें अंधेरे तहखाने में बंद करना होगा। उस लड़की के बड़े से घर में बहुत सारे कमरे थे और आप किसी भी कमरे में जा सकते थे सिवाय अंधेरे तहखाने के। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, ब्लू बियर्ड ने अंधेरे तहखाने में बैठे बैठे सोचा। लगता है मुझे हमेशा के लिए यही रहना पड़ेगा, वो भी भूखा प्यासा। उसने खाना ढूंढते हुए अपने आसपास देखा और अचानक उसे एक स्टोव दिखा जिसमें आग जल रही थी और आग के ऊपर लटका था एक बर्तन जिसमें कुछ मजेदार पक रहा था। ब्लू बियर्ड ने उसका ढक्कन उठाने की कोशिश की पर जैसा कि तुमने देखा, वो स्टोव, वो आग और वो बर्तन बस एक पुराने कैनवस पर पेंट किए गए थे और वो पुराना कैनवस एक खुफिया दरवाजे पर लगा हुआ था। फिर ब्लू बियर्ड ने दरवाजे का हैंडल खींचने का फैसला किया। दरवाजा खुल गया और ब्लू बियर्ड ने देखा कि ये कमरा मजेदार खाने से भरा पड़ा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर ब्लू बियर्ड मजे से सैंडविच खाने लगा जिसमें था पीनट बटर और जैम और शहद और ब्लू बियर्ड को खाते खाते ख्याल आया, अगर वो तस्वीर ना होती तो मैं अपनी बेचारी दाढ़ी खो देता, नहीं मेरा मतलब अपना बेचारा सिर। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तब एक असली मास्टरपीस आपके मन में उम्मीद जगा सकता है।
दम के हो गए हो कामयाब, भूलर के बल
छाप पूरी दुनिया पे, देखो अपने आस पास पाओगे खुशियाँ सारी, फिर मिलेगी तुमको मंजिल, तुम रखो कोशिश जारी, अगर तुम पा भी ना सको खूबसूरत मंजिल पर, खुशियों से भर जाए ये मन, झूमे गाए नन्हा सा दिल, खुशो भरा नन्हा दिल, खुशी से भर जाएगा। बेर, जरा ये रंग बिरंगी तस्वीर देखो। हम तुम्हें तो इस रंग में रंगना भूल ही गए। हाँ। रुको 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 रुको। नमक डाल दे। Huh!
ये चखो। सुनो, अभी मुझे जाना होगा। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। मेरी गैर हाजिरी में मस्ती मत करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं और अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, जैसे 7 छोटे गोट के बच्चों पर आई थी। चलो उनकी डरावनी कहानी सुनाती हूँ। The Wolf and the Seven Young Kids। एक वक्त की बात है, एक बड़ा बुरा वुल्फ 7 छोटे गोट के बच्चों के पड़ोस में रहता था। वो बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे और वो वुल्फ किसी की बात नहीं मानता था, इसीलिए वो इतना गुस्से वाला और बुरा बदमाश बन गया था। तो एक दिन उन बच्चों की माँ दुकान पर गई थोड़ा दूध लाने, नहीं दूध लाने नहीं, जो भी हो उसे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाना था, शायद गोभी लाने। दुकान पर जाने से पहले गोट ने अपने 7 छोटे बच्चों से कहा, अंदर ही रहना और आवाज मत करना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर वो कहे वो पुलिस वाला है तब भी, या फिर वो कुछ ठीक करने आया है। तुम तभी दरवाजा खोलना जब तुम्हें ये गाना सुनाई दे। छोटे बच्चों मेरी बात सुनो प्यारो, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर लो। नहीं नहीं, वो गलत था, ये है सही वाला गाना। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। वो गोभी लाने जाने वाली है, तुम्हें गाने में गोभी की बात करनी चाहिए। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी गोभी लेकर आई। लेकिन बड़ा बुरा वुल्फ दरवाजे पर खड़ा था और उसने गाना सुन लिया। बड़ा बुरा वुल्फ बहुत बदमाश था, किसी की बातें छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही मम्मा गोट वहाँ से गई, बड़ा बुरा वुल्फ वहाँ जा पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा और उसने कहा, सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। उसने बच्चों को धोखा देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ने उसका भांडा फोड़ दिया। और फिर उन बच्चों ने हिम्मत जुटाई और बड़े बुरे वुल्फ से कहा, चले जाओ, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी तो गोभी लाने गई है। और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, पर बड़ा बुरा वुल्फ उन 7 छोटे बच्चों को खाना चाहता था और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो लोहार के पास गया और उसने उसे अपनी आवाज को पतली बनाने के लिए कहा, एक गोट जितनी पतली आवाज। तो लोहार ने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और फिर उसी हथौड़े से उसने बड़े बुरे वुल्फ के लिए बहुत ही पतली और ऊंची आवाज बना दी। तो अब बड़े बुरे वुल्फ की आवाज हो गई थी एक गोट जैसी। तो उसने फिर से 7 छोटे बच्चों वाले घर पर जाकर गाना शुरू कर दिया। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध नहीं, मम्मी दूध लेकर आई। 6 नादान छोटे बच्चे खुशी से उछलने लगे और उन्होंने कहा, मम्मी मम्मी आ गई, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सिर्फ 7वां छोटा, जो उनमें से सबसे छोटा था, उससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जाकर अवन में छिप गया। बड़ा बुरा वुल्फ घर में घुस आया और फिर वो सभी 6 छोटे बच्चों को एक एक करके निगल गया और उसे उन्हें निगलने में तकलीफ भी नहीं हुई। और सारा वक्त उसकी नजरें उस 7वें छोटे बच्चे को ढूंढती रहीं, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसे अवन में किसी के छींकने की आवाज आई। हाँ, उसने कहा, तो तुम मुझसे बचने के लिए यहाँ छिपे हो।
अब तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। बड़े बुरे वुल्फ की आवाज बहुत ही ऊंची और बड़ी ही डरावनी थी और वो गुस्से से कांप रहा था अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए, पर वो फिर भी छोटे बच्चे तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए बड़े बुरे वुल्फ ने तय किया कि वो जोर से फूंक मारकर उस ओवन को तोड़ देगा। वो फूंक मारता रहा पर ओवन से धूल निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। उसने फिर से फूंक मारी और चिमनी से एक अजीब सी आवाज आई। फिर बड़ा बुरा वुल्फ घर के बाहर आया, फिर भागते हुए अंदर गया और उसने फिर से फूंक मारी। वो भी इतनी जोरदार फूंक कि वो ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। बड़ा बुरा वुल्फ फूंक मारता रहा पर ओवन में एक दरार भी नहीं आई। लग रहा था जैसे एक बड़े हाथी को एक छोटे मच्छर ने काटा हो। वो फूंक मारकर उसे उड़ा नहीं पाया। वो ओवन बना था ईंटों का। फिर बड़े बुरे वुल्फ ने सोचा, मैं उस छोटे बच्चे तक पहुंचूंगा उस चिमनी से, और उसने छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। भरे हुए पेट के साथ छत पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। वो दो बार नीचे गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए और वो पूरी तरह थक गया। पर वो किसी तरह ऊपर पहुंच गया। वो ऊपर तो पहुंच गया पर वो चिमनी में घुस नहीं पाया। आखिर उसका पेट छह छोटे बच्चों से जो भरा हुआ था। फिर उसने सभी बच्चों को अपने पेट से बाहर निकाला और उन्हें छत पर रखते हुए कहा, शोर मत मचाना और बात नहीं मानी तो तुम्हें वापस आकर खा जाऊंगा। और फिर उसने सोचा, मैं सबसे छोटे बच्चे के पास जाऊंगा, उसे खाऊंगा, फिर वापस यहाँ आकर इन सबको फिर से निकल जाऊंगा। बड़ा बुरा वुल्फ धीरे धीरे चिमनी से नीचे उतरने लगा। वो अंदर की राख से गंदा हो गया। फिर उसे नीचे से किसी के माचिस जलाने की आवाज आई और वो थी मम्मा गोट, जो घर लौट आई थी और गोभी पकाने के लिए ओवन को गर्म कर रही थी। जब बड़ा बुरा वुल्फ चिमनी से नीचे आ रहा था, उसे वक्त मिल गया था गोभी लेकर आने का, सही गाना गाने का, अपने छोटे बच्चे को छत से नीचे उतारने का और सबसे छोटे बच्चे को ये बताने का कि उसे ओवन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। फिर मम्मा गोट ने आग जलाई और उससे बड़े बुरे वुल्फ की पूंछ जलने लगी और वो चीखने लगा, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। वो जैसे तैसे चिमनी से बाहर आया और अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए जंगल में भाग गया। मम्मा गोट चौंक पड़ी क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि वो बड़ा बुरा वुल्फ उनके ओवन में क्या कर रहा था। फिर सातों छोटे बच्चों ने उन्हें सारी कहानी बताई। तो ये थी उनके साथ हुए हादसे की कहानी। उप्स, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला, अब मैं चलती हूँ। तो अगर तुम्हें फिर से गोभी खानी हो तो खतरनाक अजनबियों के लिए दरवाजा कभी मत खोलना। आज मेरा बच्चा कैसा है, तैर कर था क्या है? कहीं तुम्हें तैरने से जुकाम तो नहीं हो गया है ना? तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे, मम्मी तुम्हें जल्द ही ठीक कर देगी। क्या होगा?
ठीक है? क्या किसी को डॉक्टर की जरूरत है? छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। एक दो तीन और चार पाँच छः ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले। चलो समझ गए नन्हे गुरु। अब अभी हो जाओ शुरू।